नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत। स्वागत करता हूँ आप सभी का जीत स्टॉक में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले ओप्पो का F9 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था और कल ही जो है पोको फोन F1 जो है लॉन्च हुआ है और दोनों ही फ्लैगशिप फ़ोन है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों जो स्मार्टफोन है इनके बीच कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है, प्राइस बेस पे, प्रोसेसर की टाइप में, कैमरे टाइप में और बाकी के तमाम फीचर की हम जो है कंपैरिजन करेंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। यदि एक आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन ख़रीदने वाले हैं तो अभी रुक जाइए, पहले कंपैरिजन देख लीजिए, उसके बाद जो है आप अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो छोटे से इंट्रो के साथ चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जीत एंड वेलकम टू ऑल इन जीत स्टॉक। दोस्तों, ओप्पो F9 प्रो और पोको फोन F1 की यदि कंपैरिजन की बात करें तो शुरुआत करते हैं इनकी डिस्प्ले से। ओप्पो F9 प्रो में जो डिस्प्ले दी गई है वो 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। वहीं पर बात करें पोको फोन F1 की तो इसमें जो है 6.1 की डिस्प्ले दी गई है, जो कि 2.5D कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है जो आपकी डिस्प्ले को जो है सेव रखेगा। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सेम है, उसमें HD प्लस डिस्प्ले है तो इसमें जो है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही लगभग सेम होते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यदि ओप्पो F9 प्रो की बात करें तो इसमें हीलियो P60 का जो है प्रोसेसर दिया गया है। वहीं पर यदि बात करें पोको फोन F1 की तो इसमें जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बेस्ट है। यदि प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर के मामले में पोको फोन F1 जो है बाजी मारता है और F9 प्रो जो कि पीछे रह जाता है, क्योंकि इसमें जो है हीलियो P60 प्रोसेसर दिया गया है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 845 से बहुत ही कम है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कैमरे की। तो सबसे पहले बात करें ओप्पो F9 प्रो स्मार्टफोन की, तो इसके रियर कैमरे की बात करें तो इसमें दो कैमरे दिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ आता है। वहीं पर बात करें पोको फोन F1S की तो इसमें जो है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ ये कैमरा आता है। ये कैमरा जो है AI बेस्ड है। अब बात करें फ्रंट कैमरे की तो ओप्पो F9 प्रो में जो है आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और वहीं पर यदि बात करें पोको फोन F1 की तो इसमें 20 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा जो कि AI बेस्ड होगा। मतलब कैमरे के मामले में फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों ही कैमरे लगभग सेम हैं, और यदि रियर कैमरे की बात करें तो इसमें जो है ओप्पो का F9 प्रो जो कि थोड़ी बाजी मारता है, क्योंकि इसमें जो है आपको थोड़ा ज़्यादा कैमरा मिलता है मेगापिक्सल के हिसाब से। तो दोस्तों, ये रहा कैमरे का जो है कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। ओप्पो F9 प्रो की बात करें तो यह एंड्रॉयड के ओरियो अपडेट के साथ आता है, जो कि इसकी कलर OS 5.2 पर वर्क करता है। वहीं यदि पोको फोन F1 की बात की जाए तो इसमें जो है एंड्रॉयड का 8.1 वर्जन दिया गया है, जो कि MIUI 9.5 के साथ वर्क करता है, और कंपनी का ऐसा कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें MIUI 10 का अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो एंड्रॉयड का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड पाई, वो भी इसका अपडेट बहुत जल्द इस स्मार्टफोन पर मिल जाएगा, ऐसा कंपनी का दावा है। दोस्तों, अब बात करें स्पेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो F9 प्रो स्मार्टफोन की, तो इसमें जो है 6 GB की रैम आपको मिलेगी, साथ ही साथ 128 GB का जो है इंटरनल स्पेस मिलेगा। इसमें कार्ड स्लॉट लगाकर आप इसको जो है 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये एक ही जो है वेरिएंट में आपको मिलेगा। वहीं पर बात करें पोको फोन F1 की तो इसमें जो है आपको 3 वेरिएंट में मिलेगा, 6 GB 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 6 GB 128 इंटरनल मेमोरी के साथ, साथ ही साथ 8 GB 256 GB के इंटरनल स्पेस के साथ। साथ ही साथ इसमें यदि कार्ड स्लॉट का यूज करते हैं आप तो इसको 256 GB तक जो है एक्सपेंड किया जा सकता है, जो बाकी के 2 वेरिएंट हैं। आपको दोनों ही स्मार्टफोन में जो है फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है, तो आप जो है फेस के साथ अनलॉक बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो ओप्पो F9 प्रो में जो है 3500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो बहुत जल्दी स्मार्टफोन जो है चार्ज हो जाएगा। वहीं बात करें पोको फोन F1 की तो इसमें 4000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई, ये भी फास्ट चार्जिंग
को सपोर्ट करती है, तो आपका स्मार्टफोन जो है बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दोस्तों बात आती है मेन जो है प्राइस, तो ओप्पो F9 Pro स्मार्टफोन की बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको जो है 6GB 128GB वेरिएंट की जो कीमत है वो 23,900 रुपये में आपको मिलेगा। वहीं पर बात करें पोको फ़ोन F1 की, तो इनके तीनों वेरिएंट की अलग अलग कीमत है। फर्स्ट की बात करें 6GB 64GB, तो इसकी जो है 20,999 रुपये की कीमत में आपको मिलेगा। वहीं पर 6GB 128GB वेरिएंट की बात करें तो ये आपको 23,999 रुपये में पड़ेगा। इसके साथ जो अगला वेरिएंट आता है 8GB 256GB, इसकी जो कीमत है वो है 28,999 रुपये। तो ये तीनों वेरिएंट की जो है अलग अलग कीमत दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफ़र की, तो यदि बात करें ओप्पो F9 Pro स्मार्टफोन की, तो इसमें यदि SBI कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो 5% का जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। यदि बात करें पोको फ़ोन F1 की, तो यदि ये स्मार्टफोन आप खरीदते हैं जो HDFC बैंक के ATM या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, तो 1,000 रुपये का आपको जो है इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन में कंपैरिजन हुए, ऑफ़र हुए, इसकी प्राइस को लेकर, तमाम फीचर को लेकर मैंने जो कंपैरिजन किया। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया फीचर बेस पे, प्राइस बेस पे, तो आप जो है कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो यदि चीपेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बात करें तो मुझे लगता है पोको F1 जो है यहाँ पर बाजी मारता है। पोको फ़ोन F1 ये सबसे चीपेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडिया में अभी तक का है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो फॉलो कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए। बी हैप्पी इन योर लाइफ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।